गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा अज दी पंजाबी लाजमी दी क्लास विच। अज आपां करांगे कहानी मुड़ विधवा डिटेल दे विच। हां जी, आपां शुरू करदे हां कहानी मुड़ विधवा। गड्डी तुरन दी उड़ीक विच ओह प्लेटफार्म उत्ते इधर उधर फिर रहा सी, जिवें किसी दी भाल कर रहा होवे। गड्डी दे वख-वख डब्बियां विच उसने लगभग सारे चेहरे मूहरे चंगी तरह तक ले सन, पर पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थी होण करके वह कोई अनोखी रुचि रखदा सी। फिर उसदियां अखां अंदर आउण वाले दरवाजे वल गईयां तां जो वह प्लेटफार्म उत्ते आउण वाले बंदियां नूं देख सके। उसनूं दो इस्त्रियां अंदर आउंदियां नजरी पईयां, एक बुढ़ी तकरीबन 50 साल दी अते दूसरी नौजवान कोई 20 साल दी, जिसने एक वरे कू दा बच्चा कुछड़ चुकिया होया सी। उसने इस सुंदरी वल कुछ चिर बड़ी गौ नाल वेख्या अते कोई हाव भाव प्रतीत किया, जिस तों उसके दिल विच किसी आस ते प्यार दी कोमलता आ वसी। वह बुढ़ी तीवी उस सुंदरी दी माँ सी, जो प्यार नाल बच्ची वल बड़ी घड़ी मुड़ी ध्यान दे रही सी। इन्हां नाल कोई नहीं सी, उस दियां अखां उन्हां दी पैड़ उत्ते सन अते जदों ओह इक डब्बे विच जा बैठियां ओह भी उधर चला गया। ओह उन्हां दी बारी अगो 3-4 वारी लंघिया अते मुटियार दियां नज़रां नूं खिच पाउण विच कामयाब हो गया। ओह उस डब्बे विच चढ़ गया ते उस मुटियार वल मूँह करके नाल वाली बुढ़ी कोल इक पासे जा बैठा। कुछ चिर तां ओह इस तरह चुप चाप बैठा रहा जिस तरह उहदे दिल विच कोई गल ही नहीं हुंदी। उसने बड़ी इतिहास नाल अपने आप नूं होर मुसाफरां विच इक भोला भाला जिहा प्रगट कीता। उस मटियार दे चिट्टे अर सादे कपड़े पाए हुए सन, जो उसके गोरे शरीर नाल सोहने फवे हुए सन, पर तद भी वह अपने आप विच कुछ शर्म जिही प्रतीत कर रही सी। नौजवान ने उस वल इक तरस भरी नज़र नाल देखिया अते झट ही वह ये ख्याल करके फुलिया कि वह उस नाल अजिही हमदर्दी जाहर कर रहा सी जिस दी वह लोड़वंद सी। उसने समझ लिया कि वह बुढ़ी सीधी सादी रहम दिल अर गलड़ू सी। भैन जी, तुसी कित्थे जाना है? एक अदखड़ उम्र की तीवी जो इस डब्बे विच हुणे वड़ी सी अते बुढ़ी तीवी दे परले पासे आ बैठी सी उसनू पुछण लगी। असी अटारी चले हाँ, उस बुढ़ी तीवी ने उत्तर दिता। इस तो पिछों आपस विच गल्लां छिड़ पईयां, पर वह मटियार चुप करके बैठी रही। वह उस वल तकदा रहा, कदी कदी उसदे अयाने वल जां बाहर वल तक लैंदा तां जो दूसरे सिर ना हो जान। उसनूं यकीन सी कि उसने मुटियार दा दिल जित लिया है। उसने अनुमान लाया कि इसका ब्याहता जीवन बड़ा दुखदाई होवेगा जां इह हुणे जिहे ही विधवा होई होवेगी। फिर कदी कदी महसूस करता कि यह ख्याल ठीक नहीं, भावें उह बड़ी शर्मीली सी। उसने अनुमान ला लिया कि यह बच्चा ही उसके जीवन का एक आसरा सी। वह ताड़ गया कि अपनी सराफत करके ही वह अपने दिल के भाव किसी तरह प्रगट नहीं कर रही सी, ना ही बच्चे नाल खेड़ विच ते ना ही किसी होर तरह। गड्डी तुर पई, उन्हां तीवियां ने कुछ हुजके जिहे प्रतीत कीते अते एक छिन भर लई उन्हां दी गलबात रुक गई। बुढ़ी तीवी ने बच्चे नूं अपने कुछड़ लिया, प्यार किया, थापड़िया ते उस नाल वालां वालियां गल्लां करन लग पई। इह तुहाडी बीबी दा वाल है माता जी? उसने मौका ताड़ के पुछया। हाँ पुत्तर, बुढ़ी ने बड़े प्यार नाल उत्तर दिता अते बाल वाल देखण लग पई ते उस नूं हसाण लई सीटी वजाण लगी। बच्चा मुस्कराया। इस नूं देख ओ सुंदरी, इस दी माँ भी रता को मुस्कराई। ओ भी बाल वल तक के सीटियां मारन लगा अते इस माँ दे चेहरे वल तकन लगा। बाल दियां मुस्कड़ियां हासे विच बदल गईयां जिवें चांदी दियां घंटियां टुणकदियां हन। ये देख के बच्चे की माँ के बुलों में शर्माकल जिही मुस्कड़ी आ गई, जिस नूं कज्जण लई उसने झट अपना रुमाल मूँह अगे लै लिया। नौजवान ने बच्चे वल अपनी बाहां पसारियां, बच्चे ने कुद के उस वल जाण दी इच्छा प्रगट कीती अते बुढ़ी ने वह बच्चा उसनूं दे दिता। बच्चे दे नौजवान दे कुछड़ जाण ने बच्चे की माँ के दिल उत्ते इक खास असर किया। उसका उदास चेहरा खिड़ गया जिवें मीह पैर नाल मुरझाए हुए पत्ते मुड़ के हरे भरे हो जाते हैं। अपनी माँ नानी दे प्यार मगरों मरदावे हत्थां विच जाके बच्चे ने एक खास खुशी प्रतीत की।
उस मटियार दे दिल विच इक नवी जीवन रो आ गई। उसका चेहरा दगदग करन लगा ते उसने इस गल की रता भी परवाह ना कीती कि वह अपने दिल विच की ख्याल करता होगा। वह किसी की भी कोई परवाह ना करती हुई प्रतीत करन लगी जिवें वह सारे घर दे इक कमरे विच बैठे हुंदे हन। उसने बच्चे का खेडदा हथ फड़ लिया जिस नाल दोहां दिलों विच इक अजिही तार खड़क गई जिवें खावंद तीवी दे प्यार दी हुंदी है, पर फिर झट ही छड दिता जिवें उस ने इस राही बिजली का झटका प्रतीत किया हो। कुछ चिर लई उसने बच्चे ते उस वल्लों अपना ध्यान किसी होर पासे ला लिया, पर हुण वह उदास दिखाई नहीं सी दे रही माता जी तुसी कित्थों आए हो, नौजवान ने बुढ़ी कोलों पुछया अते वह बाल उसनू दे दिता ता जो किसी तरह का शक ना कर लवे। वह चाहुंदा सी कि बच्चे नाल खेडन दी थां वह उस नाल गल्लां करे। चीचा वतनी तो काका, बुढ़ी ने उत्तर दिता, उत्थे साडा घर है, उसने आपे ही कहा, अते असी अटारे चले हाँ, उत्थे मेरी धी दे सहुरे ने, यह विधवा है, इस दे खावंद नूं गुजरिया कोई 8 महीने हो गए ने। उसका बुढ़ा चिट्टा हथ अखा विचों डिगण वाले मोती जिहे हंजू नूं पूंझन लई उठा। नौजवान दे दिल नूं सदमा लगा जिवें किसी नूं किसी गल का डर होवे ते उह सच हो जावे, पर उह घबराया नहीं। वह उस कुड़ी नूं वल वेखण लगा जिसने यह गल छिड़दे ही अपना मूँह परले पासे फेर लिया सी। वह रुखां वल देखदी सी जो उस दीआं अखां अगों लंघदे जा रहे सन, खेतां पैलियां ते तार खंभियां वल जो उस दे सामने उड़दे जा रहे सन। ये बाल ही सिर्फ साड़ी जिंदगी का आसरा है, बुढ़ी ने बड़ी दुख भरी रोनी आवाज विच कहा, मेरे भी होर कोई बाल नहीं। कुड़ी वल सैंत करके, इहदे बाप नूं भी मरिया कोई 10 वरे हो गए ने। हाँ, इत्थे तुसीं इकल्ले हो, नौजवान ने अपने आप ही कहा। हाँ, बिना मर्द दे इसीलिए असीं इकल्ले हाँ, नहीं तो तीवियां लई इकल्ले घरों पैर कढ़न दे दिन नहीं पुत्र। समा बड़ा एडा भैड़ा जांदा पिया है, इस तरह समय की शिकायत करके वह चुप हो गई। नहीं नहीं, अजकल इस तरह का कोई डर नहीं, अजकल तो तीवियां हर पासे कल्लियां ही आउंदियां जांदियां ने, बुढ़ी की गल उत्ते उसने कहा। हाँ जांदियां ने, उस माई ने कहा। कुछ चिर लई वह चुप कर गए जिवें वह बुढ़ी इस गल नूं होर वधेरे लमकाना ठीक नहीं समझदी सी अते वह गल छेड़न लई कोई बहाना सोचन लगा। भावे उसनू गल करन दी लोड़ नहीं सी क्योंकि वह बुढ़ी माई आप ही बड़ी गलादड़ सी। पुत्र तू कित्थों आया है, माई ने पुछया। मैं मियाँ चुन्नू तो आ रहा हाँ, माता जी, नौजवान ने उत्तर दिता। तू कित्थे नौकरे काका? नहीं जी, मैं अजे लाहौर पढ़ना वा, पर हुण मैं पत्तों की चलिया वा। केड़ी जमात च पढ़ना है? जी मैं MA विच पढ़ना वा। तेनू लाहौर पढ़द्या किन्ना चिर हो चलिया है? जी ये मेरा 6वां वरा है। इन्ना चिर वह चोर अख नाल उस मटियार वल तकदा रहा यह जानने लई कि इस गलबात का उस उत्ते की असर हुंदा है। देखनू तो बच्चे नूं खिड़ा रही सी पर यह एक बहाना सी, वह चंगी तरह समझदा सी। उस कुड़ी ने सारियां गल्लां सुनियां सन, उसनू कुड़ी दे इस वतीरे ते रताकुन राशता होई किड्डी बेपरवाह है। एक हुशियार कुड़ी जरूर ही मेरिया गल्लां वल ध्यान देंदी, उसने ख्याल किया। ताते तू कोई बड़ा अफसर बनेगा, बुढ़ी माई ने कुछ फलाण लई ते कुछ गंभीरता नाल कहा। मुंडा हौली जिहा हसया, पर उसके दिल विच कुछ इस गल तो निराशता सी कि उस मुटियार दा उस दीआं गल्लां विच कोई ध्यान नहीं सी। मेरा जवाई 100 रुपये महीना लैंदा सी, वह मिंट गुमरे विच बाबू सी, तू तो बहुत ही तनखाह लवेगा। माता जी, ये तुहानू किवें पता है? उसने मुस्कुराते हुए उस कोलों पुछया, जिवें कोई सियाणा जोशी कोलों पुछ रहा होवे। मेरा जवाई सिर्फ 4 वरे लाहौर रहा सी, वह BA पास सी, तू बहुत पढ़िया होया है, इसलिए जरूरी है कि तेनू कोई चंगेरी थां मिले। इन्हां दिनां विच माता जी नौकरियां दा वह हाल नहीं जो कुछ चिर पहलां सी, उसने मुटियार वल वेखदे हुए कहा। वह प्रतीत करन लगा कि जिस सुंदरी का दिल वह जितना चाहता सी उसके सामने वह अपनी गरीबी की हालत नूं मन रहा सी। इस वारी वह मुटियार उस नौजवान वल वेखन लगी, पर जिस वेले अखां चार होईयां उसने झट अख झमकी ते शर्म नाल नीवी पा ली। कि यह कोई अजिही रुचि नहीं रखती जां शर्मांदी है, उसने अपने आप नूं पुछया। उसने बाल बाल देख के सीटी मारी ते उसनूं चुकन लई बाहां पसारियां, फिर वह उस कुड़ी के मूँह वल तकन लगा। उस कुड़ी के चेहरे उत्ते शर्म की लाली जिही आ गई।
ਉਹ ਬਾਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਕੁੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁੜੀ ਹਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕੇ। ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾਂ। ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਥਕੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੇਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਝਿਜਕੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਅੱਧ ਖੜਤੀ ਵੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿਡਾਵੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਾਣੂ ਕੁਝ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਤੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਬਾਲ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਸ ਉੱਪਰੀ ਜਿਹੀ ਛੂਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਪੱਤੋਕੀ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਆਸਰਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਵਿਧਵਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।